और याद है जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था? हाँ हाँ, भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। जीरो? तुम दोनों को तो मैं। ओहो, ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। भीम हमेशा जीत जाता है और तुम्हारी होती है हार। अरे जग्गू, मैं जीतने के लिए ढोलकपुर की रक्षा नहीं करता। पर फिर भी उस्ताद हार जाते हैं। याद है जब भीम ने पहली बार उस्ताद को कुश्ती में हराया था? और फिर लड्डू खाने के मुकाबले में भी उस्ताद भीम से कितनी बुरी तरह हारे थे। ढोलू बोलू, डरपोक कहीं के। भाग गए। तो तैयार कालिया? डर तो नहीं लग रहा? राजू, डरपोक ढोलू बोलू है, मैं नहीं। सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे। हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा क्यों लिया? बेचारे उस्ताद। वो सूखा बूढ़ा पेट कालिया को नहीं डरा सकता। बस आज रात यहाँ सो जाऊं तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। बचाओ! मुझ पर सब हंसते, मैं किसी से नहीं किस्मत वाला मेरा नाम, किस्मत लिखना मेरा काम। किस्मत वाला? मैं किस्मत वाला, आज किसकी किस्मत लिखूंगा? किस्मत वाला मेरा नाम, किस्मत लिखना मेरा काम। लिख दी नई किस्मत। उड़ता मेंढक, वाह, ये जैसा लिखता है वैसा हो जाता है। अगर मैं किस्मत लिखता। लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो, टीम का कप्तान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद, आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा? तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा, तुम सच्ची तो कह रहे हो, भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। ट्वेंटी 21 22। कालिया उस्ताद देखिए,
भीम, राजू, चुटकी और जग्गू भी अभ्यास करने आ गए हैं। अब आप उनके साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो फिर शुरू करें। अरे बंद करो ये आवाज। ये सब क्या हो रहा है भीम? कांता बेन हम सबको डांडिया खेलना सिखा रही हैं। चाहो तो तुम भी खेलना सीख सकते हो। मुझे नहीं खेलना ये डांडिया वांडिया। ये सब भी डांडिया खेल रहे हैं। अरे ढोलू भोलू, ये कालिया नजर नहीं आ रहा। कुछ पता है कहाँ है? हाँ, अपने बिस्तर पे पड़े हैं। बिस्तर पर क्यों? वो ठीक तो है ना? ठीक नहीं है उस्ताद, कुछ टूट फूट गए हैं। है? चलो चलो जरा उसे मिलकर तो आए। ये सब हुआ कैसे कालिया? मैंने कहा ना, तुम दोनों मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अभी मेरा तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है। पहलवान का फूल गाय खा गई। अब तो पहलवान बहुत नाराज होगा। तुम दोनों फिर आ गए? हाँ उस्ताद, सुबह तुमसे लड़ाई करके हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, इसीलिए हम आपको ये फूल देकर माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है ठीक है, अभी मुझे देर हो रही है, तुमसे बाद में बात करूंगा।